ओके सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जो हमारे दरवाजे का इस तरीके का लॉक रहता है, अगर वो लॉक हो जाए और हमसे चाबी उसकी गुम हो जाए, या फिर किसी बच्चे ने अंदर से लॉक कर लिया है और वो खोल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम इसको विदाउट की कैसे ओपन करेंगे बाहर से। ओके, तो मैं अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। बहुत ईजी है ये, इसको अनलॉक करना विदाउट की। ठीक है, तो अभी मैं एक बार पहले दिखा देता हूँ। ये अभी ये पीछे से ऐसा है, इसको नॉब को प्रेस करेंगे। ओके, ये प्रेस किया तो इट इज़ इन लॉक कंडीशन नाउ। ठीक है, इसको ये कर देंगे तो ये अनलॉक हो गया अभी। ठीक है, तो मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ, तो फिर मैं बाहर से इसको अनलॉक करूँगा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसका ये जो गोल वाला जो फ्रेम है, ठीक है, इसको हमें घुमाना है और इसको ओपन करना है। कई बार ये बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, तो उन केसेस में हमें थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करना पड़ेगा। इधर यहाँ पे साइड में थोड़ा सा स्पेस बना के इसको लूज़ करना पड़ेगा, और वो थोड़ा लूज़ होने के बाद उसको इसको हम इस साइड घुमाएंगे और इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये भी ओपन हो गया पूरा। ये ओपन होने के बाद हमें एक इसके अंदर एक लैच दिखेगा। ठीक है, वो मैं लैच आपको एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो लैच है, ये हमें, ये हमारे लॉक का सारा फंक्शन करता है। तो मैं इसको थोड़ा सा टॉर्च से हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो लैच आपको दिखाई दे रहा है, इधर ये वाला। ठीक है, ये हमारे इस नॉब को हम यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे थोड़ा सा, और इसको पीछे की तरफ हम शिफ्ट करेंगे। ये रहिए, अब ये नॉब यहाँ से पीछे चला गया। हम प्रेस करके इसको फिर पीछे की तरफ शिफ्ट करना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, वो अब नॉब आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपके, पीछे से अनलॉक हो चुका है। ये देखिए, ये अभी अनलॉक स्टेट में है। इसको अभी ये देख सकते हैं हम। अभी हम वापस इससे, देखो हमारा लॉक भी ख़राब नहीं हुआ है। हम इसको वापस से उसी कंडीशन में ला सकते हैं, वापस से इसको उसी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करके, तो हमारा लॉक भी सेफ है और हमारा ये लॉक विदाउट की अनलॉक भी हो गया। थैंक यू, आई होप दिस हेल्प्स।